हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु पाकिस्तान में आपका होस्ट फसी अहमद। और आज से हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंडर की बिगनर स्टोरीज। तो सबसे पहले तो सिंपल फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता दूं कि ब्लेंडर डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल blender.org पे जाना है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको कोई क्रैक कोई पैच की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल डाउनलोड ब्लेंडर पर क्लिक करोगे, एक नई विंडो आएगी और वहाँ से फिर ब्लेंडर डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको इसके फीचर्स जानने हैं तो इसकी फ़ीचर्स की लिस्ट यहाँ पर है। ये मैं आपको यहाँ से नहीं, ब्लेंडर के अंदर से ही नरेट करके बताता हूँ। ओके, तो ब्लेंडर कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा नेविगेशन के बारे में, इन विंडोज़ के बारे में, और फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से प्रॉपर ब्लेंडर में काम करना सीखेंगे। आज सिर्फ ब्लेंडर के बारे में बातें होंगी। तो जब आप ब्लेंडर ओपन करते हो तो स्क्रीन कुछ इस तरह की नज़र आती है। हाँ, ऐसी ये लेटेस्ट ब्लेंडर 2.9 अभी कल परसों रिलीज़ हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इंग्लिश ब्लेंडर ब्ला ब्ला ब्ला, इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल, शॉर्टकट्स का मतलब कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास आप पहले माया यूज़ करते रहो या मैक्स यूज़ करते रहे हो और आपके कंप्यूटर में अब भी वो इंस्टॉल है, तो यहाँ पर उसके शॉर्टकट्स का ऑप्शन भी आएगा। मतलब जो आपके माया के शॉर्टकट्स हैं वही आप इधर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उधर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए वाई यूज़ होता है तो आप वाई दबाओगे ब्लेंडर के अंदर तो वो चीज़ मूव करेगी। मैंने एग्जांपल दी, मैंने कभी माया यूज़ नहीं किया, सो आई डोंट नो कि माया या मैक्स के शॉर्टकट्स क्या हैं, या यूनिटी 3D या अनरियल इंजन या जितने भी 3D सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा सेलेक्ट विद लेफ़्ट राइट, यू नो माउस का जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट क्लिक है या तो उससे सेलेक्ट होगा, और अगर राइट कर दो तो राइट से सेलेक्ट होगा। तो लेट्स कीप इट लेफ़्ट। स्पेस बार प्ले मतलब कि जो नीचे आपको टाइम लाइन नज़र आ रही है ना, आप इधर दबाने के बजाय स्पेस दबाओगे ना तो ये प्रॉपर एक टाइम लाइन चलेगी, उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर ब्लेंडर के कुछ थीम्स हैं, मोडो थीम, ब्लेंडर लाइट थीम, डीप ग्रे थीम, पर मुझे ब्लेंडर डार्क थीम ही ज़्यादा पसंद है, और क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है तो हम इसी के साथ चलते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो उसके बाद आती है कुछ इस तरह की विंडो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्यूब पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमें इस क्यूब के मतलब जूम इन करना है, जूम आउट करना है, करीब आना है, बाहर जाना है, तो वो सिंपल माउस के स्क्रॉल से होगा। स्क्रॉल बटन का जानते हैं, जो मिडल माउस बटन होता है। उसके अलावा जूम इन जूम आउट करने का एक और तरीका है कि आप कंट्रोल दबा के रखो और फिर जो मिडल माउस बटन है उसको दबा के रखो, एंड देन माउस को ऊपर लेके जाओगे तो जूम इन होगा और नीचे की तरफ लेके जाओगे तो जूम आउट होगा। अंडरस्टूड? ऊपर लेके जाओगे जूम इन, नीचे लेके जाओगे जूम आउट, और दबाया क्या हुआ है, मिडल माउस बटन, और साथ में कंट्रोल को प्रेस करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। और उसके अलावा एक तीसरा तरीका है कि आप यहाँ पर प्रेस करके रखो एंड देन नीचे लेके जाओगे तो जूम आउट, ऊपर लेके जाओगे तो जूम इन। तो तीन तरीके हैं सिर्फ जूम इन जूम आउट के, एक तो स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन, एक कंट्रोल प्लस मिडल माउस बटन, और उसके अलावा एक यहाँ से, ठीक है। तो उसके अलावा उसके बाद आता है मूविंग, जिसे कहते हैं पैनिंग। ये है पैनिंग, मतलब कि आप इसको लेफ्ट लेके जाते हो, राइट अप डाउन, तो ये कैसे करते हैं। अब आप शिफ्ट को दबा के रखोगे और मिडिल माउस बटन को दबा के रखोगे तो ये होगी पैनिंग, इसे कहते हैं पैनिंग, लेफ्ट राइट अप डाउन। और एक दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर क्लिक करके रखो एंड देन आप इसको पैनिंग कर सकते हो। और एक तीसरी चीज़ के इसके रोटेशन, कि आप इसके रोटेट करते हो, आपको ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखना है, ऊपर से देखना है, नीचे से देखना है, तो ये आप कैसे करोगे। ये सिंपल आप मिडल माउस बटन दबा के रखोगे साथ, और कोई कीबोर्ड की की नहीं प्रेस करके रखनी, सिर्फ मिडल माउस बटन दबा के रखोगे और देन माउस को मूव करोगे तो ये रोटेट होगा। और इसका भी एक दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से यूँ इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये इसे कहते हैं नेविगेशन। और यहाँ पर फिर कुछ जैसे कि आपको इस, मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, अब मुझे इसको मूव करना है लेफ़्ट राइट अप डाउन इधर उधर, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसके इर्द गिर्द एरोज़ आ गए। अब मैं ये ग्रीन एरो को दबाऊंगा तो ये ग्रीन एरो पे मूव कर रहा है, रेड को दबाऊंगा तो रेड पे करेगा, इसी तरह ब्लू दबाऊंगा तो अप डाउन करेगा, ठीक है। अब ये जो ग्रीन है ना, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, जो है रेड लाइन इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ब्लू लाइन है इसको कहते हैं जेड एक्सिस। और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, एक्स वाई और जेड, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बॉक्स को बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पर स्केल का ऑप्शन है, 3D की लैंग्वेज में इसे स्केल कहते हैं, जब आप किसी चीज़ के साइज़ को बड़ा छोटा करते हो। अब मैं इसको जो ब्लू करूँगा तो ये अप डाउन के साइज़ में बड़ा होएगा, मतलब कि जेड एक्सेस पे बड़ा होएगा,
जिसे हम इसको हाइट कहते हैं, इस तरह इसकी विड्थ डेप्थ सही है। और एक तीसरी चीज़ कि इसको रोटेट करना है हमें, तो यहाँ पर ये है मूव का, ये है स्केल जिसे बड़ा छोटा कहते हैं, और ये है रोटेशन। तो मैं अगर ये रेड लाइन पकड़ूँ, रेड लाइन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, तो ये इस तरह रोटेट करेगा। अगर मैं इसकी ग्रीन लाइन पकड़ूँ जो कि वाई एक्सिस है, तो इस तरह, और जेड मतलब कि ब्लू लाइन, तो इस तरह, ठीक है। अब मैं सेम यही तीन चीज़ करने की आपको एक अल्टरनेटिव बताता हूँ, शॉर्टकट तरीका। तो मैं वापस इस पर क्लिक करता हूँ, अब वो एरोज गायब हो गए, और मुझे इसे मूव करना है जो मैंने इससे किया था। तो मैं दबाऊँगा जी, अब ये देखो ये मूव कर रहा है, जिधर मैं माउस लेके जा रहा हूँ उधर मूव कर रहा है। अब मैं जी को प्रेस करके नहीं रखा, सिर्फ एक दफ़ा प्रेस किया एंड देन छोड़ दिया। अब मुझे इसको एक्स एक्सिस पे मूव करना है, एक्स एक्सिस मतलब कि ये रेड लाइन पे। तो मैं दबाऊँगा एक्स, दबा के नहीं रखूँगा, सिर्फ एक दफ़ा प्रेस करूँगा और छोड़ दूँगा। अब जब मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। इसी तरह अगर मैं एक दफ़ा वाई दबा दूँ तो अब ये सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव करेगा, वाई का मतलब ग्रीन लाइन, और जेड मतलब ब्लू लाइन। तो मैं जेड दबाया तो अब ये ब्लू लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है। पहले मैंने जी दबाया, इससे क्या कर रहा था, ओवरऑल मूव कर रहा था। फिर अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एक्सेस पे मूव कराना था, फॉर एग्जांपल ये जो रेड लाइन है जो कि एक्स एक्सेस की है, तो मैं एक्स दबाऊँ तो एक्स एक्सेस पे कर रहा था, वाई दबाऊँ तो ये ग्रीन लाइन पे, और जेड दबाऊँ तो ब्लू लाइन पे। अंडरस्टूड? अब मैंने सोचो ये एक्स एक्सेस पे यूँ मूव किया, जी के बाद मैंने एक्स दबाया और अब मैंने यहाँ पर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सेटल हो जाए, तो मैं लेफ़्ट क्लिक दबा दूँगा। पर सेम अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँ और मेरे से गलती से यहाँ पर ये आ गया, मैं नहीं चाहता था कि ये इधर आए, मैं चाहता हूँ कि अपनी उसी जगह पर चला जाए जहाँ से मैंने इसको पहले उठाया था। तो मैं राइट क्लिक दबाऊंगा तो देखो वो वहाँ ही चला गया जहाँ से मैंने इसको उठाया था, ठीक है, ये हो गया। और अब हम देखते हैं कि इसको बड़ा छोटा कैसे करना है। पहले इसको वापसी सेंटर में ले आते हैं, जी एक्स सेंटर में ले आए। अब जो है दूसरी चीज़ है रोटेशन, रोटेशन के लिए आप दबाओगे आर, आर से आप इसको यूँ रोटेट कर सकते हो। और अब सेम अगर मुझे आर के बाद अब किसी स्पेसिफिक एक्सिस पे रोटेट करना है, अगर मुझे रेड लाइन पे जो कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर रोटेट करना है, तो मैं दबाऊंगा एक्स, तो अब वो एक्स एक्सिस पर रोटेट करेगा, वाई फॉर वाई एक्सिस एंड जेड फॉर जेड एक्सिस, ठीक है। आर से रोटेट करता है, और कोई भी की ऐसे प्रेस करके नहीं रखनी, जस्ट आप एक दफ़ा प्रेस करके फिर छोड़ दोगे। एंड देन जब मैंने इसको रोटेट कर लिया, मुझे इतना रोटेट करना है, तो मैं लेफ़्ट क्लिक दबा दूंगा। और वही अगर मैंने गलती से रोटेट कर दी और मुझे मैं चाहता हूँ कि वापसी वैसा ही हो जाए जैसा मैंने इसको पहले था ये, तो मैं राइट क्लिक दबाऊँगा तो वो वैसे ही उसी में आ जाएगा शेप में जैसा लास्ट टाइम था। और ये तीसरा जो हमारा स्केल का ऑप्शन था वो हमारा होगा एस से, एस से ये ओवरऑल बड़ा छोटा हो रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं भाई सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो, तो मैंने एक्स दबाया तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो रहा है, वाई फॉर वाई एक्सिस एंड जेड फॉर जेड एक्सिस। और सेम जब मैंने बड़ा कर लिया, मुझे लंबा करना था इतना, तो मैं लेफ़्ट क्लिक दबा दिया। और इसी तरह अगर मुझसे गलती से कोई बड़ा छोटा हो जाए, तो मैं राइट क्लिक दबा के इसको वापसी उसकी जगह पर भी भेज सकता हूँ। अंडरस्टूड? इसी तरह आपको ब्लेंडर की बाकी शॉर्टकट कीज़ देखनी है, तो आप यहाँ पर लिख दो ब्लेंडर शॉर्टकट्स और 2.8 लिख देना। वैसे ये 2.9 है, पर मुझे लग रहा है उसकी शॉर्ट 2.8 की और 2.9 की शॉर्टकट कीज़ एग्जैक्टली सेम है, इसकी वजह से आप 2.8 भी लिख सकते हो। तो ये आ गई ब्लेंडर 2.8 कीबोर्ड शॉर्टकट चीट शीट बदला। तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। ये बाद में जब हम आगे अगले लेक्चर्स देखेंगे तो मैं आपको साथ में शॉर्टकट कीज़ बताता रहूँगा, पर वो अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हो। ओके, तो हमने देखा कि हम रोटेशन कैसे करेंगे। रोटेशन के मैंने आपको तीन तरीके बताए, एक मिडल माउस बटन से, एक यहाँ से, एक्चुअली दो ही तरीके बताए, एक मिडल माउस बटन से और एक यहाँ से, और दो ही तरीके हैं। और जूम के तीन तरीके बताए थे, एक यहाँ से आप जूम इन कर सकते हो, एक कंट्रोल प्लस मिडल माउस बटन ये दबा के रखने और फिर माउस को यूँ ऊपर नीचे करोगे तो वो जूम इन जूम आउट होगा, और तीसरा तरीका कि आप जो मिडल माउस बटन होता है उसको स्क्रोल अप करोगे, स्क्रोल डाउन करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। और तीसरी चीज़ पैनिंग, पैनिंग के लिए आप शिफ्ट दबा रखोगे प्लस मिडल माउस बटन दबा रखोगे तो यूँ पैनिंग कर सकते हो आप, इसे पैनिंग कहते हैं, जो आप मूव कर रहे हो लेफ्ट राइट वो अप डाउन। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से इसको पैनिंग कर सकते हो, सॉरी यहाँ से पैनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हमने चीज़ को बड़ा छोटा करना, मूव करना, रोटेट करना देखा। उसके अलावा जो हमारी व्यू पोर्ट है, एक्चुअली मैंने आपको इसका नाम बताना भूल गया, इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। तो इसके व्यू पोर्ट को हम जब मैं रोटेट कर रहा था तो एक्चुअली मैं व्यू पोर्ट को रोटेट कर रहा होता हूँ, या व्यू पोर्ट में पैनिंग कर रहा होता हूँ, या व्यू पोर्ट को जूम इन जूम आउट कर रहा होता हूँ। उसके अलावा ये विंडो है, इसमें मतलब फिर ढेर सारे पैनल्स हैं, जैसे कि ये रेंडरिंग का पैनल है, सॉरी हाँ ये है पैनल,
ये सिंपल पैनल है, इसका नाम मुझे भी नहीं आता शायद, इसका नाम है वर्क स्पेस सेटिंग्स। ये है रेंडरिंग का पैनल, और ये भी कौन सा पैनल है, ये है, ये रेंडर प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आउटपुट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनके नाम इसके ऊपर करोगे तो आ जाएंगे, जो कि मैंने याद नहीं किए हुए। हाँ, तो इसमें ढेर सारी सेटिंग्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल आप इनसे डरो मत, क्योंकि हम इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं करेंगे। बिगिनर सीरीज़ में पता है हम कौन कौन से देखेंगे, हम ये हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ना, ये आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ये जो चीज़ है ना, ये रही, ठीक है। और ये जो है ना, ये भी हम देख लेंगे, ये भी, ये पैनल हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा हम ये पैनल देखेंगे, ये पैनल देखेंगे बिगनर सीरीज़ में, आगे एडवांस सीरीज़ में हम डेफिनेटली सारे पैनल्स चेक करेंगे। ये दोनों पैनल्स चेक करेंगे, उसके अलावा ये वाला पैनल चेक करेंगे, ये पैनल भी देख लेंगे, ये तो डेफिनेटली देखेंगे, मॉडिफाइड टैब, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पार्टिकल सिस्टम है, ये मे बी हम देखें या मे बी हम देखें ना देखें। ये फोर जो हैं फिज़िक्स की सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर, ये भी हम स्पेशल एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम पूरी ब्लेंडर में जो फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं वो देखेंगे, पर ये भी हम बिगनर सीरीज़ में नहीं देखेंगे। ये मटेरियल टैब है, ये भी हम ज़रूर देखेंगे। तो दैट्स ऑल, मतलब हम, मैं आपको गिनवा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 तो हम मस्ट देखेंगे, बाकी अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो हम बिगनर सीरीज़ में देख लेंगे, वरना इन्हें एडवांस में डाल देंगे। सो आई थिंक कि हमें ट्यूटोरियल यहाँ पे एंड करना चाहिए, ये था सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ब्लेंडर के बारे। हम नेक्स्ट पार्ट से कुछ बनाना शुरू कर देंगे, साथ साथ मैं आपकी इसको समझाता रहूँगा और साथ साथ हम कुछ बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स 3D डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। और ब्लेंडर एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको इसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स जो कि आप इसके गूगल कर सकते हो, वरना मैं आने वाली वीडियोस में आपको साथ साथ बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।